हेलो हेलो जनता कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल मेरा नाम है वो उपाध्याय मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हूँ पर और ये वीडियो में बेटा इस ये वीडियो वीडियो वोस्ट अंकला का है जिसमें हम 20 मिनट्स में पूरे, -पूरे कम्पलीट कर रहे हैं बेटा मैं बात कर रहा हूँ इसके पहले हमने ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया है और इसके पहले हमने कर लिया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स बेटा इन दोनों ही चैप्टर्स को हमने बहुत सारे पी के साथ कंप्लीट करा है ना कि सिर्फ थ्योरी बेटा ट्वेंटी मिनट्स के अंदर मैंने कम से कम तेरह पी क्यू ग्रेविटेशन के कराए और यहाँ पर भी छह साई क्यू करवा रखे हैं आप अगर देखेंगे तो फ्लूड में भी हम इसी तरह से शुरू करने वाले मैकेनिक्स को हम ये चार हिस्सों में पढ़ने वाले पहला

दे आर फिल्ड अप टू अ पर्टिकुलर कॉमन हाइट सेम हाइट तक भर दिया तो भैया क्या होगा प्रेशर एट द बेस ऑफ द वेसल ए एंड बी इज़ इक्वल टू सेम इसके बाद फ्लू स्टेटिक्स की बात करेंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर जो हमारे यहां पर अर्थ है अर्थ के अगल बगल गैसेस भरी हुई हैं बेटा ये गैसेस भी क्या होती है, होती है, और दोनों को बोलते है तो प्रेशर आता है गैस की वजह से अर्थ की सरफेस पर या कहीं भर भी है अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर प्रेशर आता है इस प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं अब यटमोस्फेयरिक प्रेशर अगर हमारे यहाँ पर हम अर्थ सर्फेस के ऊपर माने तो वो नॉट होता है और नॉट की वैल्यू वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो पॉल फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा होती है लेकिन 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 जब हम यहां पर मेजर करते हैं और यहां तक का प्रेशर निकालते हैं तो इस रो तो बेटा रोजीएच प्रेशर को गौज प्रेशर बोला जाता है। लेकिन में यहाँ पे जो प्रेशर होता है, उसे प्रेशर बोलते हैं प्रेशर का मतलब कि आप तो, आप पी मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहां ही रहा है और फिर रोजीएच लग रहा है तो नॉट प्लस ये इतना प्रेशर होता है नॉट प्लस रोजीएच एक्चुअल क्लियर है लेकिन अपन सिर्फ रोजिएज अगर बता देते हैं तो वो उसे बोला जाता है गॉज प्रेशर इसके बाद अगर अपन बात करें बेटा हाइड्रोलिक प्रेशर की तो यहां पर जब भी प्रेशर होता है ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर पी नॉट लगा तो यहां पर भी पी नॉट लगाना पड़ रहा है जब यहां पर प्रेशर पी नॉट लग रहा है तो यहां पर पी नॉट को ऐड क्यों करना पड़ रहा है ये या आपको यहां से पता चलेगा बेटा हाइड्रोलिक प्रेशर से जब अपन यहां पर इस पॉइंट की बात करेंगे तो बेटा इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लगेगा एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए क्लियर है बेटा या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ एफ वन अपॉन ए वॉट इट एवरी वन एफ वन अपॉन ए यहाँ पर प्रेशर लगा अब जब भी प्रेशर किसी फ्लूड में लगता है तो बेटा कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है

तो बेटा बड़े एरिया पे बड़े प्रेशर लग रहा है छोटे एरिया पे छोटा हमने बड़े एरिया पे बड़ा फोर्स लग रहा है छोटे एरिया पे छोटा फोर्स हम लोगों ने था दिस वॉज हाइड्रोलिक प्रेस इसके बाद अपन बात करते हैं के तो के ऊपर बेटा तो अंदर क्या क्या होता है क्या होती है तो जैसे आप जमीन पर आप खड़े होता है अगर एक बॉल को अपन जमीन पर रख देते हैं तो जमीन क्या करती है इसके वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है वैसा ही नॉर्मल फोर्स भी लगाने की कोशिश करता है लेकिन फलुइड लगा नहीं पाता है तो फ्लूड बेटा इसी तरह का मैं आपको बहुत देसी भाषा में बता रहा हूं तो इसी नॉर्मल की तरह से एक फलुइड फोर्स लगाने की कोशिश करता है वो फोर्स वेट के अगेंस्ट में होता है एम के अगेंस्ट

Into volume, into G, तो बेटा सिर्फ कुछ नहीं करा इसी के में जगह है, है यहां पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह लिक्विड डाल रिलेटेड है लेकिन फिर भी अपने फॉर्मला देख लिया क्योंकि आगे वाले में काम आने वाला है आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बाद शुरू करते हैं अगला डायनामिक्स डायने डायनेम्स में सिर्फ तीन चीजें बेटा फ्लूड हमने पांच चीजें पढ़ी फ्लूड में स्टेटिक में हमें पांच चीजें रखनी डायनामिक्स में सिर्फ तीन चीजें याद रखनी तीन चीज क्या क्या बताती है जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर जाएगा जितना मास अंदर जा रहा है उतना बाहर चला जाएगा गाय सभी प्राणी को समझ में आ रहा है जितना मास अंदर गया उतना ही मास बाहर चला जाएगा मतलब वॉल्यूम फ्लोरेट और जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम बाहर चला जाएगा क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम फ्लोरेट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फ्लोरेट को क्या बोला जाता है क्यू क्यू इज इक्वल टू बेटा क्या बोला जाता है

पॉइंट का प्रेशर स्क्वायर टू रो पी जी एच इज़ इक्वल टू इस पूरी की पूरी चीज को हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे इस पूरी की पूरी की चीज़ को क्या करेंगे ये भी भी, ये भी भी, इस पॉइंट के दोनों के बीच में ये दोनों चीजों का सम बराबर होगा अगर हम यहीं पर बात करें कि सेम हाइट के लिए क्या होगा तो अगर सेम ही हाइट के लिए हमें बात करनी है गाइस ध्यान से देखें सेम ही हाइट के लिए अगर हमें बात करनी है कि अगर किसी जगह पर हाइट सेम रह रही है तो हमें यह लिखना होगा प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो अगर एक ही हाइट लेवल की बात करें तो टू तो कांस्टेंट मतलब जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी और जहां प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी बहुत सारी चीजें इसी चीज के ऊपर काम करती हैं दिस इज द मेन पर्पस ऑफ हमारा भैया दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अवर जो मेकेटोमाइजर बोला जाता है मैगनस इफेक्ट होता है वो भी बर्नोलीज़ इक्वेशन पे काम करता है एरोप्लेन का उड़ना भी बर्नोलीज बर, बर, इक्वेशन पे ही काम करता है जब भी अपन किसी चीज को उठा करके, करके पीते हैं चीज भी किस चीज के ऊपर के ऊपर ही के ही काम करती, पे काम करती है चलिए तीनों चीज देखने के बाद दोनों देखने के बाद, आ पे। इसमें सिर्फ देखा जाता है, कि इसके कितनी हाइट है।, इसके कितनी हाइट है। जितनी हाइट होगी में हम लिख देंगे अंडर रूट टू जी एच खेद यहां पर जहां होल किया इसके ऊपर कितना पानी है कितने हाइट तक पानी है उसी के हिसाब से टोरिसल इक्वेशन हो जाती है अगर कोई पूछे कि भैया कहा होल करें कि मैक्सिमम दूर तक जाकर के गिरे तो हमेशा हाइट के आधे पर होल करना होता है आधी हाइट पर अगर होल करेंगे एकदम बीच में होल करेंगे नाभि पे तीर मारिए प्रभु तो बेटा बीच में एकदम होल कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा एकदम बीच में होल करने पर ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर गिरेगा इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास बोल दिया कि भैया एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास क्या दे रखा है एक डब्बा दे रखा है इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका इतना है और यहाँ पर प्रेजेंट ए नियर ऑफ द बॉटम अच्छा बॉटम टैंक के बॉटम पर ये वाला एक होल प्रेजेंट है और यहां पर से पानी बाहर निकल रहा है पानी बाहर किस तरह से निकलेगा किस तरह से निकल रहा है? तो पानी की वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट टू जी एच बहुत बढ़िया पानी की वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू इंटू जी की वैल्यू टेन अंडर एच की वैल्यू कितनी बेटा हाइट ऑफ टैंक टू मीटर दे रखी है बहुत बढ़िया हाइट ऑफ टैंक कितनी दे है टू मीटर दे रखिये आ जाएगा अंडर टू रूट टेन ठीक है

इस पूरी लेयर का एरिया है एल हाइट पे आपको फॉर्मूला याद रखना नेवला एन बी एल अपॉन ओके समझ गए बेटा एन बी बाई एल मल्टीप्लाइड विद एन बी बाई एल अपॉन मल्टीप्लाइड विद ए

क्या चीज है छपरी नीरव छपरी इस छे पाई इस छपरी

वो एन यहां पर क्या दिया हुआ है, आर क्या है? इसका रेडियस है बेटा वन बाई टू इन टू टेन टू दी पावर माइनस थ्री बहुत बढ़िया यहां पर फॉलिंग ऑफ विस्कोसिटी इतना इस तरह से बेटा यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी टू मीटर पर सेकंड जब इस चीज का ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे कोशिश करेंगे आंसर आ जाएगा सिक्स पाई एन आर वी छपरी नहीं रहा सिक्स इन टू पाई की वैल्यू थ्री डाल दी बेटा एन की वैल्यू कितनी डाल देंगे एन की वैल्यू वहां पर दे रखिए जीरो पॉइंट एट एट अपॉन टेन बहुत बढ़िया आर की वैल्यू कितनी बेटा वन बाय टू टेन टू तो दावर माइनस थ्री टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू टू टू से टू कट गया हमारे पास आंसर आ गया सिक्स थ्रीजा एटीन एटीन सिक्स थ्रीजा एटीन एटीन इंटू एट बेटा वन 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 एक मिनट रुक जाइए वन फोर फोर वन फोर्टीन 44 पॉवर माइनस 10 10 3. ओके okay गाइस सभी लोग बहुत अच्छे समझ गए तो ये वाली चीज ऑलमोस्ट 14.4 पॉइंट 10 इन टू टेन टू 3 आ रही है मतलब ये वाला आंसर आ रहा है लगभग 15 के आसपास वाला आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करके सॉल्व करा बेटा इसी तरह से सॉल्व करना तेज तेज सॉल्व होगा

जीरो को भी हटा दिया एट इंटू टेन टू दावर माइनस फोर माइनस थ्री एट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री का जैसा कौन सा आंसर दिख रहा है ये वाला बी इस द करेक्ट आंसर अगला सवाल हम लोगों से पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी बहुत बढ़िया ये पिछली बार रिकॉर्ड करा था रिकॉर्डिंग ऑन करना बोल गया था उस बार का लिखा हुआ ध्यान से देखें बेटा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इस तरफ है नीचे की तरफ एम जी ऊपर की तरफ क्या लगेगा पॉइंट फोर्स यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एक बॉल को पानी में डाला जाएगा नीचे की तरफ एम जी लगेगा ऊपर की तरफ पॉइंट फोर्स लगेगा लेकिन जब ये बॉल नीचे की तरफ पानी में डूबने लगेगी भैया तब क्या होगा यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी और वेलोसिटी आ गई तो ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स भी लगने लगे

नहीं बेटा इसी चीज के ऊपर बेस्ड आपको याद रखना है इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो ध्यान से देखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तुरुत्तु सभी लोग देखें तुरुत्तु रोता रोता जी ओके 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 रो ऑफ सॉलिड

Uh, so, थोड़े समय के बाद मतलब terminal velocity हो बहुत बढ़िया यहाँ पर बोला द विस्कस फोर्स एक्टिंग बहुत बढ़िया तो हर बार बेटा हर बार ये फॉर्मुला नहीं लगाना है समझ गया बेटा के अंदर मैंने आपको तीन पार्ट बताया पहला इसम पहला वाला इज हमारा नेवला दूसरा इस छबरी ने तीसरा इस टर्मिनल वेलोसिटी इसके अंदर दो चीजें हैं, आपको याद रखनी है एक तो ये वाला पूरा रिश्ता है और दूसरा ये रिश्ता है दोनों रिश्तों पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है पहले रिश्ते के ऊपर है यहां पर हमें याद रखना है एम जी विल बी इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बॉय एंड फोर्स तो अब यहां देखिए बेटा एम जी जो है एम जी से आधी डेंसिटी है एमजी की जो डेंसिटी है, है मतलब सॉलिड बॉल की जो डेंसिटी उससे आधी डेंसिटी का क्या है ग्लिसरीन है मतलब जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो भी आधा लगेगा तो बेटा जो विस्कस फोर्स लगने वाला है विस्कस फोर्स लगने वाला है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम बॉइंड फोर्स की वैल्यू एम जी बाय टू लग रहे हैं क्यों क्योंकि बेटा जब डेंसिटी आधी हो गई

सॉर्टेड टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर से ही फेक देते तो अगर के बराबर से फेंक देते कम से फेंक रहे हैं, ऐसे हो रहा है थोड़ा कम से फेंक रहे ऐसे हो रहा है ज्यादा से फेंक रहे हैं वैसे चला जाएगा क्वेश्चन पूछ लिया ड्रॉप्ड इन लॉन्ग कॉलम लिक्विड यहां पर पूछ लिया देखो 2022 का क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है 2022 में अब यहां पर देखेंगे स्पीड ऑफ

सबको उतना टाइम नहीं दे पाता जिसके कम दोस्त होते हैं वो थोड़े घना घना मित्र होते हैं जिसके दस दोस्त हैं इसके तीन दोस्त हैं तो तीनों दोस्तों के बीच की दोस्ती थोड़ी अच्छी होगी तो ये वाले जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं टाइटली बाउंडेड होते हैं तो इनके बीच में बेटा ये सर्फेस के जो पार्टिकल होते हैं इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है दे विल हैव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इसलिए यहां पर सर्फेस टेंशन डेवलप हो जाती है अगली चीज हम लोगों ने पढ़ी जो भी चीज यहाँ पर सर्फेस टेंशन के बारे में मैंने डाल दी है इसके बाद यहां पर देखिए फोर्स क्या होता है बेटा सर्फेस टेंशन फोर्स नहीं होता है सबसे पहली बात क्या सर्फेस टेंशन एक फोर्स है कोई पूछेगा सर्फेस टेंशन एक

लगेगा तो फोर्स हमें जो लगाना होगा वो लगाना होगा सरफेस टेंशन के फोर्स की बात कर रहा हूं देखो एक तो इसके ऊपर एम लगेगा कोई बात नहीं और हम जब यहां पर से इसे ऊपर खींचेंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब एम के बराबर तो लगाना पड़ेगा और पानी की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा समझ रहे हो एक प्लेट पानी में पड़ी हुई है आपके घर की और उस प्लेट को आप उठा रहे हो तो उसमें एम के अलावा एक्स्ट्रा फोर्स लगता, फोर्स कितना लगता है एक्स्ट्रा फोर्स सरफेस टेंशन इंटू टू पाई आर बेटा इसकी लेंथ कितनी है जितनी लेंथ पानी से टच हो रही है टू पाई आर यहां पर देखिए एक रिंग है एक रिंग पानी के अंदर पड़ी उसको आपको पानी में से निकालना है तो आपको बेटा फोर्स लगाना एक तो उसका वेट के बराबर हवा में पड़ी होती तो वेट के बराबर लगाना पड़ता लेकिन यहां वेट के अलावा और कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा सर्फेस टेंशन के बराबर क्योंकि पानी

ये वाली डिस्क थी हमारे पास तो इसे ऐसे एक तरफ से पकड़ा जाएगा लेकिन इसे दोनों तरफ से पकड़ा जाएगा तो जब दोनों तरफ से पकड़ा जाएगा तो 4l into 2 हम यहां पर बोलने वाले हैं यहां पर इस पूरी की पूरी वैल्यू वे को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा mg plus 8l x इतना फोर्थ हमें लगाना पड़ेगा कितना फोर्थ लगा रहे हैं फोर्थ विल बी इक्वल्स टू mg इसका वजन प्लस

ठीक है ऐसे कभी हाथ ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हाथ में एक फिल्म बन जाती है वो वाली फिल्म की बात है तो इस फिल्म का एक एरिया इस तरफ होगा एक एरिया पीछे की तरफ होगा दो एरिया होंगे फिल्म के तो दो एरिया होंगे तो भैया जब हम यहाँ पर से फिल्म को इधर से इधर तक एक्सटेंड कर देंगे इधर से इधर एक्सटेंड कर देंगे तो इसकी सर्फेस एनर्जी कितनी हो जाएगी फिल्म के अंदर की सर्फेस एनर्जी कितनी हो जाएगी इधर से इधर तक करने में तो आप जरा देखिए बेटा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू या फिर सरफेस एनर्जी विल बीवल टू सर्फेस एनर्जी विल बी इक्वल टू सर्फेस टेंशन एज मल्टीप्लाइड विद बी इन टू एल

आपने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर से अब इसका बारह बढ़ाया मतलब क्योंकि 12 इधर 12 इसके पीछे वाला साइड तो चेंज इन एरिया आपका कितना हुआ जल्दी से बताइए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर अब हमसे पूछा गया भैया कि यहां पर वर्गन इतना है, तो कितनी होगी तो वर्गन इज इक्वल्स टू वग डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया अब सरफेस टेंशन हमें निकालनी एरिया तो हमारा कितना है 12 2 हमने 12 बड़ा है 12 2 24 10 टू द माइनस -4 वग डन हमें कितना दे रखा है 3 10 टू द माइनस -4 बहुत बढ़िया 4 से 4 को हमने काट दिया यहाँ पर सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 24 1 8, 1 8 8 को बेटा प्यार से ये बोलते हैं क्लियर है आगे बढ़ गए हम यहां पर हमने देखा कि अच्छा 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 सरफेस एरिया अच्छा। मतलब इस बबल को बनाने में कितना टाइम लगेगा इस ड्रॉप को बनाने में कितना टाइम लगेगा और वाटर बबल को बनाने में कितना तो बबल बना, को बनाने में कितना टाइम लगेगा तो बबल के दो सर्फेसते हैं बबल का अंदर भी सर्फेस होता है बाहर भी सर्फेस अंदर भी सर्फेस है बाहर भी सर्फेस है अगर आप इस पर पुताई करेंगे तो बेटा बाहर भी करनी पड़ेगी अंदर भी करनी पड़ेगी ड्रॉप के अंदर ड्रॉप सॉलिड होती है सिर्फ बाहर ही करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखें बेटा इसका एरिया कितना है फोर बाई आर मतलब मुझे इसका इतना एरिया बनाना है इंटू सर्फेस टेंशन इंटू टू टू क्योंकि इसकी एक सर्फेस बाहर भी एक सर्फेस अंदर भी है तो यहां पर इतना वर्क करना पड़ेगा एक बबल बनाने के लिए और अगर एक ड्रॉप बनाना है तो कितना एरिया करना पड़ेगा सिर्फ फोर बाई आर टेंशन इतना काम करना पड़ेगा और एक वॉटर का अंदर वाला बबल मतलब इसका एक तरफ तो वो पानी आ गया एक ही तरफ सिर्फ सर्फेस एयर के साथ तो बेटा इसके अंदर भी हमें जो वर्क करना पड़ेगा बनाने के लिए फोर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एस ही इतना ही वर्क करना पड़ेगा इसी चीज के ऊपर नीट में क्वेश्चन आया अभी ताजा ताजा मणिपुर में बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सो बबल ऑफ रेडियस बेटा टू सेंटीमीटर फ्रॉम कितना तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा सोप बबल बनाना है मतलब लेकिन दो बार क्यों बेटा दो बार क्योंकि बेटा, इसका एक बाहर वाली सरफेस भी होगी अंदर वाली सर्फेस भी होगी थ्री इंटू टेन टू दी पावर थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू बाद फोर पाई फोर पाई को हम लिख देंगे भैया फोर पाई को हम लिख देंगे यहां तें� पर टू इंटू टू को लिख देंगे पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बढ़िया हमारे पास आगे ट्वेल्व इंटू थ्री ऐसे करके इस चीज को कुछ 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 तो करते हैं अपन तेजी से ठीक फोर्टी एट आ गया 48 into 2, इसे हम ऑलमोस्ट हंड्रेड बोल देते हैं तो फोर्टी एट इंटू टू का हंड्रेड बोल देते हैं टेन इंटू टेन टू दॉर माइनस टू इंटू हंड्रेड इंटू टेन टू दॉर माइनस है क्या सभी प्राणियों को यह बात समझ में आ रही है अच्छा माइनस फोर है अब यहाँ पर हमने इस चीज को माइनस फोर कर दिया तो ये हमारे पास पूरी की पूरी जो समस्या निकल के आ गई वो आ गई बेटा थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर स्क्वायर था माइनस फोर था क्लियर है तो यहां पर ये -2 से हमने इस हंड्रेड को उड़ा दिया जो हमारे पास हंड्रेड था उसे उड़ा दिया हमारे पास थ्री इंटू टेन टू दिवा माइनस फोर आंसर आ गया गॉट इट इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ द बिगर ड्रॉप बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप के टुकड़े में तोड़ना है छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप को बनाना है तो जो भी एनर्जी है वर्क का फॉर्मूला होगा तुम्हें याद रखना है 4 पाई बड़ी ड्रॉप का स्क्वायर इतनी एनर्जी बड़ी ड्रॉप में है मल्टीप्लाइड बड़ी ड्रॉप की एनर्जी है इसको आपको मल्टीप्लाई करना एन की पावर वन ये तो आपको याद है बेटा एक ड्रॉप बनाने की एनर्जी ठीक है बड़ी ड्रॉप का रेडियस आ है तो एक ड्रॉप को बनाने की इतनी एनर्जी होती है इसे मल्टीप्लाई करेंगे एन की पावर वन बाई थ्री माइनस वन से अगर किसी ने बोल दिया कि भैया एक बड़ी ड्रॉप से ट्वेंटी सेवन छोटी ड्रॉप बना रहे

क्या होगा बेटा पी इज इक्वल टू फोर एस फ्रेसर क्या होगा डिक्रीज होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा अब यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेट बेटा जब भी ऐसे खा पा रहा है ये ऐसे नहीं खा पा रहा है

बाय रोजिया रॉजक ठीक है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज कैपिलरी राइज में दूसरी चीज हम याद रखेंगे कि राइज स्टेल कब तक पानी ऊपर तक उठता है पानी ऊपर क्यों उठ रहा है कौन उठा रहा है इसे सरफेस टेंशन का फोर्स उठा रहा है ठीक है जब तक सरफेस टेंशन का फोर्स वेट ऑफ वाटर इन द ट्यूब के बराबर रहेगा तब तक पानी ऊपर उठता रहेगा तो पानी कब तक ऊपर उठेगा जब तक सरफेस टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू कितनी हाइट तक जाएगा जब सरफेस टेंशन का फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वॉटर इन द ट्यूब जब सरफेस टेंशन का फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाएगा पानी ऊपर उठना बंद हो जाएगा क्लियर है ओके तो ये ट्यूब का वे... जितना भी पानी इसके अंदर वजन है उतना ही सर्फेस टेंशन का फोर्स हो जाने वाला है यही चीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर बोला गया भैया इमर्ज इन द द टू हाइट एच बहुत बढ़िया हमसे पूछ लिया गया भैया मास ऑफ द द वाटर इन कैपिलरी ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर अनादर मास ट्यूब इज इतना आर तो भैया उसमें कितना हाइट होगा बहुत बढ़िया हमसे पूछा गया यहाँ पर कि भैया एम जो वेट है वो किसके बराबर होगा पानी का जो वेट है वो किसके बराबर होगा पानी का जो वेट है जो इस ट्यूब के अंदर पानी का वेट है वो किसके बराबर होगा तो भैया वो सर्फेस टेंशन के फोर्स के बराबर होगा अब यहीं पर अगर हमने एम डैश जी करती आप सर्फेस टेंशन का फोर्स कितना होगा सर्फेस टेंशन का फोर्स कितना होगा वो होगा बेटा टेंशन इंटू टू पाई आर

Two, तो है है मतलब हमारे पास अब टेन ग्राम होने वाला वाला ओके okay इसी के बाद ये क्वेश्चन आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है इसी चीज के ऊपर ये चीज सॉल्व हो जाएगी हाइट सेम है इसके ऊपर कमेंट होगा क्लियर है समझ में आएगा सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा